हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम जेट स्पोर्ट काउंसलिंग को लेके चर्चा करेंगे। तो बच्चों के जो भी स्पोर्ट काउंसलिंग को लेके प्रश्न थे उन सभी की जानकारी हम डीके सर से प्राप्त करेंगे। ठीक है सर। हेलो सर, नमस्कार दोस्तों। थैंक यू सर। सबसे पहले बच्चों का प्रश्न था सर कि जो जेट स्पोर्ट काउंसलिंग है वो क्या है। सर, जेट स्पोर्ट काउंसलिंग है, जैसा कि बच्चे भी जानते होंगे इस चीज के बारे में कि अभी जेट ने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लिस्ट जारी की है। लिस्ट जारी करने के बाद कुछ कॉलेज और कुछ कैंपस है जिनमें कॉलेज या मैं कहूँ कि सीटें हैं वो खाली रह गई, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी दोबारा से स्पोर्ट काउंसलिंग करवा रही है सर। जी सर। सर जो ये स्पोर्ट काउंसलिंग है, इसके फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है और उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली जी है? सर, स्पोर्ट काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है प्यारे बच्चों 12 अक्टूबर। स्टार्टिंग डेट है 12 अक्टूबर और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 16 अक्टूबर। अब जैसे मान लीजिएगा कि सर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक किसी बच्चे ने काउंसलिंग करवाई और उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई फॉर्म को भरने में या कॉलेज को फिल करने में, तो उसके लिए कॉलेज ने एक दिन एक्स्ट्रा दिया है, वो 17 अक्टूबर। मतलब 17 अक्टूबर को आप कोई भी करेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो वो बच्चा 17 अक्टूबर को उस करेक्शन को सही करवा सकता है। जी सर। सर सबसे बड़ा प्रश्न जो बच्चों का था वो ये था कि जो जेट स्पोर्ट काउंसलिंग है उनके लिए कौन कौन बच्चे इलिजिबल हैं। जी, ये प्रश्न सर बहुत अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा और बच्चे भी काफी कंफ्यूज है, सभी के माइंड में ये है कि स्पोर्ट काउंसलिंग सभी बच्चे करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर बिल्कुल भी। स्पोर्ट काउंसलिंग कुछ बच्चे ही करवा सकते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने इंडिकेट किया है मोस्टली। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि मान लीजिएगा कि किसी बच्चे ने काउंसलिंग करवाई पहले जी सर, और इसको किसी मतलब कोई सा भी कॉलेज नहीं मिला, तो वो बच्चा स्पोर्ट काउंसलिंग करवा सकता है जी सर। दूसरी बात, जिसको कॉलेज मिल चुका है और कैंपस या कॉलेज, और उसने फीस डिपॉजिट करवा दी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो उसने डिपॉजिट करवा दिए, मतलब कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया और पूरी प्रोसेस हो गई, उस बच्चे को ये मौका नहीं मिलेगा सर। इसके अलावा और मैं जानकारी दूं कि जैसे मान लीजिएगा कि सर किसी बच्चे ने काउंसलिंग करवाई और उसको कॉलेज नहीं मिला कहीं भी, तो उसके 5,000 रुपए का चार्ज लगा था, लेकिन अब यदि वो बच्चा स्पोर्ट काउंसलिंग करवाता है तो दोबारा से उस बच्चे को 5,000 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ और क्या है सर कि ये जो 5,000 रुपए स्पोर्ट काउंसलिंग में लग रहे हैं वो उसकी फीस में ही ऐड होंगे, अलग से ये चार्ज नहीं लगेगा सर। सर जैसा कि सर आपने बताया तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न था कि जो स्पोर्ट काउंसलिंग है इसकी क्या फीस रहने वाली है। सर इसकी जो फीस है वो 5,000 रुपए रहने वाली है, जो ये फीस है जो उसकी जो टोटल फीस रहेगी उसी में ऐड होगी सर। और सर इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि जब बच्चे जो जेट के स्पोर्ट काउंसलिंग करवाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। सर सबसे मेन बात तो यह है कि जो अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा कॉलेज की जो लिस्ट वगैरह बनाई है, जैसे हर बार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर यही होती है कि जब बच्चे कॉलेज की या कॉलेज फील करवाते हैं, काफी बच्चों के तो सर मैंने देखा है कि बहुत अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उनको सर बढ़िया कॉलेज नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि मुझे कौन सा कॉलेज फील करना है, कौन सा कॉलेज नहीं फील करना। तो सबसे मेन बात तो यही है कि कॉलेज को फील करने, या मैं कहूँ कि सही तरीके से कॉलेज को फील करें, कॉलेज को ऐड करें सर। जैसा कि सर ने बताया तो आप सभी को इन सभी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ सर हम जानना चाहेंगे कि जो स्पोर्ट काउंसलिंग है इसकी फर्स्ट लिस्ट कब तक आएगी। सर फर्स्ट लिस्ट जैसे इसकी 20 अक्टूबर तक जारी हो जाएगी, फिर उसके एक दो दिन में बच्चे को जो भी कॉलेज या कैंपस मिला है तो वहां जाकर बच्चे को जो भी टोटल फीस है उस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की, उसी के साथ में जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है सर, उसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है बच्चे को, तो वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स विद जो फीस उसके रहने वाली है वो वहां जाकर बच्चे को, या उससे पहले तो कॉलेज को ऑनलाइन एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, तो कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया। कॉलेज एक्सेप्ट करने के बाद जो भी मैंने अभी प्रोसेस बताई वो बच्चे को कॉलेज या कैंपस में जाकर ये अप्लाई करना पड़ेगा सर। तो सर जो स्पोर्ट काउंसलिंग है इनमें कौन कौन सी कॉलेजेस हैं और कितनी सीटें इनमें वैकेंट है। सर इसके लिए अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा आपने जैसा देख रहा होगा कि बोर्ड पे भी जितने भी 69 के समथिंग गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, इन सभी की लिस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं सर यहाँ पर जोबनेर की बात करूं मैं, तो जोबनेर में यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट और नॉर्मल सीट दोनों के बारे में बताया गया है। अब पेमेंट और जो नॉर्मल सीट है, पेमेंट सीट रेडी है यहाँ पर 4 और जो सॉरी पेमेंट सीट है यहाँ पर 1 और जो नॉर्मल सीट है वो है यहाँ पर 4। इसके अलावा जोधपुर की मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो रहती है नॉर्मल सीट तो है 7 और इसके अलावा पेमेंट सीट है 3।
मैं उदयपुर की बात करूं तो यहाँ पर 5 सीट है वो नॉर्मल है, और जो 5 सीट है वो कैसी है यहाँ पर पेमेंट सीट, मतलब पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट दोनों पर ही सर स्पोर्ट काउंसलिंग हो रही है। अब स्पोर्ट काउंसलिंग में यदि छोटी सी बात करें कि जैसे पेमेंट सीट की, तो पेमेंट सीट में सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है बच्चे के। अब ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल सीट लेना चाहता है या फिर पेमेंट सीट को लेना चाहता है। तो अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा स्पोर्ट काउंसलिंग में जो भी वैकेंट सीटें थी, जो भी कॉलेज थे या जो भी कैंपस था, उनमें नॉर्मल और पेमेंट सीट सभी के लिए ये अलग से लिस्ट बनाई गई है जी। तो आज हमने सर से जानकारियां प्राप्त की जेट स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में। फिर भी अगर आप सभी के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे आप ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।